आवर एनवायरनमेंट पहला है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, इसके एक और है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के एक्शन से और अदर सेप्रोफाइट्स। एग्जाम्पल जैसे पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, वेजिटेबल हो गया एंड प्लांट हो गया, ये सब जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। इसके बाद ये जो ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये ख़त्म नहीं हो सकते हैं। ये सब्सटेंस विच कैन बी नॉट ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स एंड बैक्टीरिया से, इन दोनों के एक्शन से, या दोनों जैसे ग्लास हो गया, बैक्टीरिया कुछ नहीं इस पर असर कर सकता है, प्लास्टिक पर भी कुछ नहीं असर कर सकता है, मेटल पर भी कुछ नहीं असर कर सकता है। इकोसिस्टम क्या होता है? आल एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट एंड देयर इंटरसेक्शन मेक देयर इकोसिस्टम। बायोटिक और नॉन बायोटिक दोनों मिल जाएंगे तो इकोसिस्टम का निर्माण हो जाएगा। उसमें फ्रॉग आते हैं, फिश आते हैं, पौंड आते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि पौंड में ही फ्रॉग और फिश रहेंगे, इन दोनों का साइकिल बनता रहता है, चलता रहता है। इसके बाद इकोसिस्टम एग्जाम्पल जो है फॉरेस्ट में पौंड, लेक, पौंड हो गया, लेक हो गया, फॉरेस्ट हो गया, जो है इकोसिस्टम। इसमें बायोटिक भी रहेंगे, बायोटिक मतलब कि जीव वाले वस्तुओं, और नॉन बायोटिक निर्जीव वस्तुएं। नेचुरल से इकोसिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। नेचुरल में जो हम लोग बनाए हैं, कौन कौन बनाए हैं? नेचुरल जो है खुद से बना है, प्रकृति द्वारा जंगल बना है, पौंड बना है, लेक बना है, झील बना है, तालाब वालाब सब बना है इसमें। और आर्टिफिशियल में कौन कौन बना है? आर्टिफिशियल जैसे हम लोग बनाए हैं, जैसे हम लोग गार्डन बनाए हैं, एक्वेरियम बनाए हैं। फिर इसके बाद बायोटिक क्या होता है? बायोटिक जो बताए हैं जीव, आल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। और नॉन बायोटिक या एबायोटिक क्या होता है? नॉन बायोटिक कंपोनेंट आर द फिजिकल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, वाइंड, सॉयल, मिनरल, यह सब जो है फिजिकल है, इसमें कोई जीव वाली वस्तुएं नहीं है। फिर प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट एंड अल्गेई दैट मेक फूड बाई द फोटोसिंथेसिस आर कार प्रोड्यूसर, जो है फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं, ग्रीन प्लांट से फोटोसिंथेसिस द्वारा, उसी को हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। फिर उसके बाद कंज्यूमर प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर फॉर द फूड इंटायर डायरेक्टली और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड अपना डिराइव करें, और उसी को हम लोग कंज्यूमर करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगी द ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया और फंगी को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें कहते हैं जो बैक्टीरिया और फंगी दोनों कंज्यूमर को एकदम मिट्टी मिला देंगे। सब्सटेंस प्रेजेंट इन डीड प्लांट एंड द एनिमल मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस आर कॉल्ड डिकम्पोजर। आप लोग देख सकते हैं कि यह प्लांट है, इसी को हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। इसके बाद ये जो एनिमल है, ये जो डिपेंड है प्रोड्यूसर पर, इसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं, इसको हम लोग कंज्यूमर। फिर इसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको डिकम्पोजर कहते हैं, जो डिकम्पोजर ख़त्म कर देना। जो प्लांट है स्टार्च और शुगर से अपना नॉन बायोटिक और बायोटिक दोनों अपना बना लेता है फूड फोटोसिंथेसिस द्वारा। H2O plus CO2 जो है बायोटिक भी है, नॉन बायोटिक है H2O। और इसके बाद क्या बनता है? C6 या जो ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज से एनिमल इन पर डिपेंड रहते हैं। एनिमल जैसे डियर हो गया, बियर हो गया, ये दोनों हैं। फिर उसके बाद ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हें मिट्टी मिला देते हैं, इनको फिर से नॉन बायोटिक कर देते हैं। नॉन बायोटिक और ये जो है पौधा जो है बायोटिक, नॉन बायोटिक दोनों लेकर उसको बाद ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज के बाद ये जो फिर उसके बाद डिपेंड रहते हैं एनिमल प्रोड्यूस, इसको कंज्यूमर डिपेंड रहते हैं, कंज्यूमर पर डिकम्पोजर डिपेंड रहते हैं, इसी तरह साइकिल चलता है। कंज्यूमर आर डिफरेंट लेवल। इसमें प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा जो है
एनर्जी रहती है, 10% सब में चली जाती है, इसके बाद प्राइमरी में जाती है, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में। देख सकते हैं प्रोड्यूसर जैसे घास हो गया घास, फिर उसके बाद ग्रास ओपर जो रहते हैं, फिर उस पर डिपेंड होते हैं फ्रॉग, फ्रॉग के बाद स्नेक डिपेंड होते हैं, फिर उसके बाद ईगल, ईगल सबसे ऊपर आते हैं। फूड चेन एंड वेब, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट टेक पार्ट इन ट्रांसफरिंग फूड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर से फिर डिकम्पोजर, इज कॉल्ड फूड चेन। वह सीरीज होता है ऑर्गेनिज्म का, वह सीरीज जो ट्रांसफ़र होता है फूड, अपना फूड, फूड एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, पहले प्रोड्यूसर से फिर हो जाएगा डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर, फिर उसके बाद उसी को हम लोग फूड चेन कहते हैं। ट्रांसफ़र आप 10% एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है, जैसे इसमें ग्रास है, ग्रास होपर, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक, इसमें जो है इसमें पहले 10,000 है, फिर उसके बाद पहले ही 10 से आएगा, जैसे ईगल है, ईगल के पास 10 है, यहाँ पर 100, यहाँ पर 1,000, यहाँ पर 10,000, फिर यहाँ पर, फिर उसके बाद उसके अगला 10% यहाँ पर आएगा, और शुरू किधर से होगा, इधर से होगा, पहले जितना ज़्यादा इसमें रहेगा उसमें से 10% यहाँ पर, 10% यहाँ पर, ऐसे यहाँ से ऐसे आसान पड़ेगा कि धीरे धीरे यहाँ पर पता चल जाएगा यहाँ पर कितना था। इसी पर जो है इन्हीं पर कोई दूसरा डिपेंड रहेगा, फूड एनोदर डिपेंड, फिर इन पर कोई दूसरा डिपेंड होगा, इसी पर इसी को हम लोग फूड सीरीज कहते हैं या फूड वेव कहते हैं। इन द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इट हैज बीन फाउंड दैट ग्रीन प्लांट कन्वर्ट 1% सोलर एनर्जी इंटू फूड एनर्जी, जो ग्रीन प्लांट है वह कन्वर्ट करते हैं 1% सोलर एनर्जी से अपना फूड एनर्जी बनाते हैं। ओनली 10% अब द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्राम द अनदर ट्रॉपिक लेवल, जैसे 10% जो है ट्रॉपिक लेवल जो है किसी दूसरे पर जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, इसके बाद है उसी को 90% एनर्जी जो है लॉस्ट हो जाती है। इज कॉल्ड 10% ला, इसी को हम लोग 10% ला कहते हैं। हीट, हीट इज डूइंग वर्क इन द ग्रीन एंड रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद एट द ओनली 10% एनर्जी एट द ईच ट्रॉपिक लेवल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट फूड चेन, जनरली 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल होता है, पहले कौन, पहले प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, लगभग 3 से 4 हो गए। इसके बाद द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली डिक्रीज फ्राम द ट्रॉपिक लेवल टू एनोदर, जो है नंबर उन सब का नंबर ऑर्गेनिज्म का जो है डिक्रीज होता है, पहले ग्रास होपर है, ग्रास होपर में पहले समझ लीजिए 100% एनर्जी है, उसमें अगले में जाएगा उसके में 50% एनर्जी, फिर उसके बाद 10%, फिर उसके बाद 5%। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये नहीं कि अब पीछे जाएगा 10% 100% से अब 1,000 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। द पेस्टिसाइड एंड केमिकल, द पेस्टिसाइड एंड केमिकल इज एब्जॉर्ब बाई प्लांट फ्राम एंड सॉयल टू इंटर द फूड चेन, सबसे ज़्यादा जो है हम लोग में पेस्टिसाइड आते हैं, लेस केमिकल यहाँ पर होता है, धीरे धीरे जितना ज़्यादा ऊपर उठेगा उतना ज़्यादा यह हानिकारक होगा। द लेबल ऑफ एनी फूड चेन सो द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल इज फाउंड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, वह लेबल जो फूड चेन से हमारे ऊपर मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन से केमिकल उठता है और हमारे बॉडी में आ जाता है, जैसे किसी मुर्गे में अगर किसी मुर्गे में पेस्टिसाइड है तो कम होगा, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा रहेगा, फिर उसके बाद किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में पेस्टिसाइड आएगा तो उसको दोनों को मिलाकर जो मानव होते हैं हुमैन वो दोनों को खा लेंगे, इसलिए उनके उनके बॉडी के अंदर ज़्यादा पेस्टिसाइड रहती है। इसी कहा गया टॉप ऑफ लेवल जो है, जो ट्रॉपिक लेवल है सबसे ऊपर वाले लेवल में फूड चेन में
ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल रहता है उसी को हमारे बॉडी में, एक प्रकार से हमारे बॉडी में ज़्यादा कंसंट्रेशन है पेस्टिसाइड का, इसीलिए हम इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेंस कहते हैं। एग्जांपल ह्यूमन हो गया और डॉग हो गया, कैट हो गया, जो कि मांसाहारी भी हो और शाकाहारी भी हो। ओजोन इन द हायर लेवल ऑफ एटमोसफियर ब्लॉक द यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओजोन जो है, ओजोन इज हायर लेवल ऑफ एटमोसफियर में हायर लेवल होते हैं, ब्लॉक कर देता है यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। ओजोन इज द प्रोडक्ट लेवल ऑफ एटमोसफियर यूवी डायरेक्शन। ओजोन जो है यूवी डायरेक्शन से ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन O2 कैसे बनता है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बन जाता है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन से फिर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल जाता है, उसके बाद बन जाता है ओजोन। एट हाई लेवल ऑफ एटमॉस्फियर द यूवी रे स्प्लिटिंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से स्प्लिट होकर, स्प्लिटिंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इन दोनों से स्प्लिट होकर क्या फार्म करेंगे, ऑक्सीजन फार्म करेंगे। फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फार्म होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, ओजोन लेयर O3। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फार्म ओजोन। यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काजेस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फियर में है, अगर एटमॉस्फियर ब्लॉक, इसी से हम लोग ब्लॉक हो जाता है, इसी से अगर ब्लॉक नहीं होगा तो वह जो सूर्य की किरणें हैं हमारे ऊपर आएंगी, तो इससे क्या क्या काजेज होगा, स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्स मोतियाबिंद हो सकता है, एंड रेड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन, फसल भी बर्बाद हो सकती है। इसके बाद डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस ऑफ अंटार्कटिका वाज फर्स्ट डिस्कवर। वहाँ पर अंटार्कटिका 1985 में अंटार्कटिका में डिस्कवर हुआ था ओजोन लेयर का पहला, उसी जगह पहला छेद हुआ था। इसके बाद सोर्सेस एनर्जी क्या था, सोर्सेस एनर्जी फिर एक बार दोहरा देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड, नहीं बन सकती ज़्यादा जल्दी, नहीं उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। वन फार्म टू एनोदर फार्म, एक फार्म से बिजली जो है हीट से एनर्जी बन सकती है, उसी तरह यहाँ बताया गया वन फार्म से एनोदर फार्म में हीट बदल सकती है। एनर्जी की कमी क्या है, जैसे लाइट एनर्जी से हीट एनर्जी बन सकता है, लेकिन ये बन लाइट एनर्जी जैसे है, लाइट एनर्जी से हम लोग हीट एनर्जी बना सकते हैं, फिर इसको बाद इसमें बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्यूल जो है आइडियल फ्यूल है, फ्यूल आर दोज सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस फ्यूल जो है फ्यूल आर दोज सब्सटेंस या केमिकल सब्सटेंस यूजली बर्न हीट एंड लाइट एनर्जी, क्या क्या करता है, लेस पॉल्यूशन करता है, ईजी टू ट्रांसपोर्ट करने में आ जाए और ईजी टू यूज करने में, ईजी टू स्टोर, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, चीप में सस्ता भी हो, लीप एंड नो रिसाइड, कचरा उचरा ना भी करे, सॉलिड जो रहता है वो कोल होता है और लिक्विड में केरोसिन आ गया, गैस में LPG आ गया। वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट जो वेरियस है, जैसे थर्मल पावर प्लांट में डिसएडवांटेज क्या है, जैसे यह कोई है थर्मल पावर प्लांट एक प्रकार से देख लीजिए, ऊपर जो टरबाइन लगाया जाएगा जिससे इलेक्ट्रिक फैन रोटेट होगा तो बिजली निर्माण होगी, और नीचे कोयल है और बीच में जो इसमें जो है वैक्यूम में जो है वाटर है, बिजली ऐसे निर्माण होगी। आइडियल पावर प्लांट में क्या होगा, आइडियल पावर प्लांट में जैसे कोई बांध है नीचे जो है इलेक्ट्रिक रोटेट करने वाले कोई मोटर वोटर लगा है, फिर उसके बाद डैम से जो है जो पानी होगा नीचे गिरेगा, MGH पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में गिरेगा, नाइटिक एनर्जी से को कह देता है। फिर उसके बाद वाइंड मिल क्या होता है, वाइंड मिल जो है पंखे जैसा रहेगा, रोटेट करेगा एयर में रोटेट करेगा। और जियो थर्मल पावर प्लांट क्या है, यह जो है
जमीन के नीचे यह किया जाता है। इसे जो है हॉट स्पॉट है, यह जो है कोर को जो है, कोर होता है ना हमारे पृथ्वी के सतह पे, पृथ्वी के अंदर सतह पे कोर, उसी में जो है टरबाइन लगाया जाता है। अगर जिधर ज़्यादा मेल्टेड होगा, जिधर ज़्यादा ताप निकलेगी, वहीं पर टरबाइन जो है रोटेट करेगा, और जो है इसको जो है हॉट स्पॉट कहते हैं, इसको जो है हॉट स्पॉट कहते हैं। ओशियन थर्मल पावर प्लांट जो महासागर में लगाया जाता है, पाइप जैसा लगाया जाता है, नीचे जाता है, नीचे से ठंडा हो जाता है, नीचे जो है टेम्परेचर उसका ठंडा होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, और उसके बाद जितना ऊपर आता है उतना जो है टेम्परेचर बहुत ही गर्म हो जाता है। उसके बाद यहीं पर टरबाइन लगाया जाता है, जितना ज़्यादा गर्म हो जाएगा गैस के फार्म में हो जाएगा, नीचे जैसे 19 डिग्री सेल्सियस ऊपर आकर 39 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 2 किलोमीटर तक अंदर जाता है, पाइप जाता है, वोल्टेज लेस होता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट यह है न्यूक्लियर रिएक्शन, फ्यूजन जो है एक होता है फ्यूजन, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्रेक होगा, ऑक्सीजन इंटू ऑक्सीजन जो है ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन का O2 जो है वो ऑक्सीजन मालिक्यूल्स में ब्रेक होगा, और ऑक्सीजन दो मालिक्यूल्स हैं उन दोनों कंबाइन हो जाएगा, फ्यूजन इसको कहते हैं, कंबाइन होना, और फ्यूजन का मतलब होना है ब्रेक होता है, फ्यूजन का मतलब ब्रेक होता है, फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन। रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिव जो है यूरेनियम को ही एनर्जी में बॉयल किया जाता है उसको टर्बाइन घुमाने के लिए। रेडिएशन रेडियो एक्टिव क्या होता है, यूरेनियम को रेडियो एक्टिव कहता है, वो एनर्जी एनर्जी देता है, पहले वाटर बॉयल करेगा, एनर्जी से ही वाटर को उबाला जाएगा, फिर उसके बाद टरबाइन घुमाया जाएगा। टाइडल एनर्जी क्या है, टाइडल एनर्जी एंड वेव एनर्जी, इवेनिंग जो है हाई टाइडल, जैसे कोई सतह है सी लेवल का कोई सतह है, अगर उधर इसी को ज्वार भाटा कहते हैं, देख सकते हैं ये जो कैसे पुल है, पुल के अंदर जो है छेद है, इसमें जो है पानी निकलने के लिए यहाँ पर लो टाइडल है, यहाँ पर समुद्र से अगर जाएगा तो वह ज्वार हो जाएगा, अगर आएगा तो वह भाटा हो जाएगा, इसको कहते हैं सी लेवल, अगर जाएगा तो फिर उसके बाद उसको रोक दिया जाएगा, जब जब पास होगा जब चला जाएगा तो वहीं पर एक टर्बाइन वर्बाइन लगा दिया जाएगा, जितना तेज़ी से जाएगा उतना तेज़ी से ही रोटेट करेगा। इसके बाद सोलर एनर्जी क्या होता है, सोलर एनर्जी जो है एक हीट के फॉर्म में होता है, यह जो है छोटे छोटे रहते हैं, इसमें जो है मिरर से, जैसे सूर्य की रोशनी पहले मिरर पर आएगी मिरर से टकरा कर उसके बाद सोलर पर आएगी, इसके बाद इसी से 98% एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। सोलर पैनल क्या होता है, सोलर जो है बना होता है लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनता है, या सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन पर ही सब एनर्जी पास होती है, फिर उसके बाद बैटरी में यह कन्वर्ट होती है, नहीं तो हट जाएगी ना, इसमें जो है इसको एकजुट करना पड़ता है। एनर्जी फ्रॉम बायोगैस, बायोगैस में जान सकते हैं, देखिए यह कोई गड्ढा उड्ढा है, इसमें जो है गैस के फार्म में इसमें जो है सब गैस वेस्ट प्रोडक्ट इसमें लाया जाता है, फिर उसके बाद इसमें जो है रोटेट किया जाता है, इसमें जो है और सभी गैसेस यहाँ से निकलती हैं, और गैस जो है ख़राब सब्सटेंस ऊपर आते हैं और नीचे वाले जो गैस के फार्म होते हैं उसी से कलेक्ट कर मेथेन गैस बन जाता है, फिर उसके बाद उसी से हम लोग अपना भोजन वोजन बनाते हैं, पहले होता था, अब यह देखने को बहुत कम मिलेगा। और उसके बाद जो बचता था इसमें सब्सटेंस, इसमें जो बचता था वह एग्रीकल्चर के कृषि के लिए इस्तेमाल हो जाता था। इसके बाद प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज बात करेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जैसे फूड फ्यूल में कौन कौन सा कंडीशन होता है उसको जलाने के लिए, पहला तो हाई कैलोरिक वैल्यू हो जाए, हाई कैलोरिक वैल्यू रहे, फिर उसके बाद जो है धुआं जो है कम कम
इस्तेमाल होए और कम निकले, लेस एस जो है राख जो है कम हो, और उसके बाद इजी टू स्टोर आसान हो, स्टोर करने में एंड ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसान हो, और इकोनॉमिकल भी रहे। सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है दो फार्म होता है, वो कॉन्वेंशनल और एक नॉन कॉन्वेंशनल। कॉन्वेंशनल में क्या होता है, फॉसिल फ्यूल होता है और कोल पेट्रोलियम होता है, इसके बाद थर्मल पावर प्लांट होता है, हाइड्रो पावर प्लांट, बायोमास, बायोगैस या प्लांट। नॉन कंसम जो है इसमें जो है सोलर एनर्जी हो गया, सोलर कुकर हो गया, सोलर सेल हो गया, वाइंड एनर्जी हो गया, सी टाइडल वेव एनर्जी हो गया, जियो थर्मल पावर, न्यूक्लियर। इसमें जो है कोई ज़्यादा जिससे प्रदूषण प्रदूषण नहीं होगा, इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा कोल एंड पेट्रोलियम से। फॉसिल फ्यूल की चलिए बात करते हैं, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, कॉन्वेंशनल की बात हो रही है, कॉन्वेंशनल जो फॉसिल फ्यूल हो पहला उसी की बात। मिलियन ईयर एगो, मिलियन जैसे बहुत साल पहले प्लांट एंड एनिमल की जो है वे जो बरिट कर दिए जमीन में गाड़ दिए जाते थे उनके नीचे, अर्थ के नीचे, तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर से वह जो है निकलता था, उसे हम लोग बिजली या कुछ भी कर सकते थे। दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, या जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। फ्यूल जो है फ्यूल डेवलप फ्राम फॉसिल फ्यूल एंड कोल एंड पेट्रोलियम। फ्यूल जो है डेवलप होता था कोल एंड पेट्रोलियम से। डिसएडवांटेज क्या है, रिलीज ऑक्साइड ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सल्फर एसिडिक इन नेचर। रिलीज करता था ऑक्साइड, रिलीज कार्बन नाइट्रोजन सल्फर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर में जो है एसिडिक रिलीज करता था। काज क्या है, एयर पॉल्यूशन, एसिड रेन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज द बर्न इन टू अ बर्न टू गेट पॉल्यूशन, जो है पॉल्यूशन करता था। थर्मल पावर प्लांट क्या है, थर्मल पावर प्लांट आर यूज कोल एंड पेट्रोलियम नेचुरल गैस टू प्रोड्यूस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट क्या है, जो कोल एंड पेट्रोलियम को नेचुरल गैस में जो प्रोड्यूस करता है उसी को थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। स्टीम प्रोड्यूस इज यूज टू टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। स्टीम जो है धारा या धारा कह सकते हैं, स्टीम धारा को प्रोड्यूस करने के लिए, यूज करने के लिए टर्बाइन की ज़रूरत होती है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन टू मूव इफिशियंट। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैकेनिकल एनर्जी इंटू इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में जो टरबाइन लगा होता है मोटर जैसा, उसको वह क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। डिसएडवांटेज क्या है, फॉसिल फ्यूल जो है आर यूज इन नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और लीड टू वाटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। कम वाटर जो पॉल्यूशन जो है कम करे और पानी की ज़्यादा यूज न हो। हाइड्रो पावर प्लांट क्या है, इट इज़ द मोस्ट कॉन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। इट क्लीन इन नॉन पॉल्यूटिंग सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो है यह क्लीन होता है और नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी हो। द पोटेशियम एनर्जी टू कन्वर्टेड इंटू नाइट्रिक एनर्जी, पोटेशियम एनर्जी को कन्वर्ट कर दे नाइट्रिक एनर्जी में। वाटर इज रिलीज टू रोटेट द टर्बाइन एंड द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। वाटर जो है रिलीज करे, रोटेट होए टर्बाइन, रोटेट द टर्बाइन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होए। डिसएडवांटेज क्या है, हाई एक्सपेंसिव से जो निर्माण करने में ज़्यादा पैसा लगता है। इसके बाद डैम कैन बी कंस्ट्रक्टेड एट लिमिटेड साइट। डैम जो है अच्छे से उसका प्रयोग हो अच्छे जगह जहाँ पर अच्छी, जिसे कोई जंगल में किसी प्रकार का कोई नुकसान उकसान ना हो। लार्ज एरिया ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन जो है इसको जो है कवर करने के लिए लार्ज एरिया पूरा लेना पड़ता है। एंड एग्रीकल्चर फील्ड आर समर्ज प्रॉब्लम, जो है जो कृषि के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लोकल पीपुल टू डिसप्लेस एनवर्दर पीपुल सेटल, जो है वहाँ के जो है लोगों को वहाँ का हटाया जाता है और दूसरे जगह सेट किया जाता है।
नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी वाइंड एनर्जी क्या आता है। इसके बाद है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में पहला है वाइंड एनर्जी। पहला क्या है? वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल या एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाइटिक एनर्जी ऑफ वाइंड इज यूज्ड इन लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम पंप ग्रेन इटसी। जो नाइटिक एनर्जी है MgH के फॉर्म में जो चलती है। उसके बाद वाइंड एनर्जी यूज क्या होती है? वाटर में, पंप में, ग्रेन पानी से जो है पंप में या फिर पाइप से थ्रो की जाती है सभी फसल वसल करने में। फिर उसके बाद जो है एडवांटेज क्या है? यह इको फ्रेंडली है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। डिसएडवांटेज क्या है? वाइन स्पीड हर जगह यूनिफार्म नहीं होती। इसको चलाने के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना चाहिए। फिर इसके बाद यह लार्ज एरिया एंड इरेक्ट सीरीज आप बंडल वाइंड मिल जो है इसको एक जगह कहीं फिट करने के लिए लार्ज एरिया खोजना पड़ेगा और वहाँ पर जो है सभी सीरीज में लगाना होगा। बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन नीडेड आउटपुट लेस, जो है इसको लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। इसमें जो है हाई इन्वेस्टमेंट लगेगा। इसके बाद क्या है? सोलर एनर्जी रेडिएशन कैन बी कन्वर्टेड इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू अ फोटोवोल्टाइक का जिसके जो है फोटोवोल्टाइक से जो सोलर एनर्जी में फोटोवोल्टाइक रहता है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट सोलर रेडिएशन डायरेक्टली इनटू अ इलेक्ट्रिसिटी सिलिकॉन सोलर सेल। फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट करता है सोलर रेडिएशन को, जो सोलर रेडिएशन नहीं रहता है सोलर में छोटा छोटा रेडिएशन रहता है उसको डायरेक्टली करता है एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। और जो एब्जॉर्ब करता है उसको सिलिकॉन कहते हैं। सोलर सेल में जो एब्जॉर्ब करता है उसे हम सिलिकॉन कहते हैं। सोलर कुकर आर पेंटेड ब्लैक 98 पर, जो ब्लैक रहता है अगर वाइट रहेगा तो उतना अच्छा नहीं, अगर ब्लैक रहेगा तो 98% ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ग्लास हो गया, हीट एंड टेम्परेचर इंक्रीज करता है। शीशे टाइप रहता है, कांच टाइप उसको एब्जॉर्ब करता है। फिर उसके बाद है एडवांटेज की, इसका क्या है? यह भी इको फ्रेंडली है। नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ज़्यादा इको फ्रेंडली है और यह रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यूज इन मोर देन फूड कैन बी कुक, इससे यूज करके हम लोग फूड को बना सकते हैं, फूड भोजन इसको कुक किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या है? यह इन यूज इन रूरल एरिया और नो पॉल्यूशन, इसको जो है यह रूरल एरिया में भी बन सकता है। फिर उसके बाद क्या है? नो पॉल्यूशन, इसमें जो है पॉल्यूशन भी नहीं करता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है सिलिकॉन सेल आर एक्सपेंसिव। सिलिकॉन सेल बनाने में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है और बहुत कड़ बारीक से उसे बनाया जाता है। सोलर रेडिएशन आर नॉट यूनिफॉर्म सीजन चेंज, जैसे बाद बारिश का सीजन जाएगा तो उस समय जैसे भोजन नहीं बन पाएगा, सोलर से रेडिएशन नहीं हो पाएगा और उसके बाद रात के समय भी नहीं हो पाएगा। फूड कैन नॉट बी कुकड एट नाइट एंड क्लाउडली डे, जो बारिश के समय और रात के समय। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल क्या है? 1 टन ऑफ यूरेनियम 235 प्रोवाइड एनर्जी, जैसे 1 टन यूरेनियम जो है 235 प्रोवाइड एनर्जी का, 235 सेंटीमीटर तक प्रोवाइड करेगा एनर्जी। जिसे 1 टन है तो 235 पार्ट में ब्रेक होकर एनर्जी फार्म करेगा।
वाटर बॉयलिंग स्टीम इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जो है, वाटर को जब हम बॉयल करेंगे तो उसके बाद वह उसकी जो है इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिसिटी में जो है धारा प्रवाहित होगी। जो एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फिजन, ये होता है फ्यूजन और होता है फिजन। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसको जो है, जैसे ये न्यूक्लियर है, दो न्यूक्लियर है, फ्यूजन मतलब होता है कंबाइन करना, इसे एक कंबाइन कर कर हो जाएगा N2 हो जाएगा। और इसमें जो है यूरेनियम है, इस पर किसी प्रेशर डालकर इसको इसको जो है प्रेशर डालकर इसको हटाया जाएगा, इसको बम ब्लास्ट किया जाएगा, तो इसके बाद एक सेपरेट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कंबाइन होना, यहाँ पर ब्रेक होना। इसके बाद है इसका एडवांटेज क्या है, इट इज़ ए एनर्जी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो यह एनर्जी जिसको इसे करने के लिए बहुत ही लंबे समय तक चाहिए, और यह है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जो है यह जो है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। फिर उसके बाद क्या है इसका डिसएडवांटेज क्या है, रिस्क न्यूक्लियर वेस्ट लीकेज, इसको इसको जो है प्रयोग करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। हाई पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट को जो है नुकसान कर सकता है, पॉल्यूशन ज़्यादा करेगा, और इसे सेट करने के लिए हाई कॉस्ट सेटिंग लगेगा। एनर्जी फ्रॉम द सी, जैसे समुद्र में कैसे जो है टाइडल एनर्जी जो है समुद्र में फिट होता है, इसको डिपेंड अपॉन हार्वेस्टिंग ऑफ साइन जो है एंड फॉल, साइन एंड फॉल लेबल ड्यू टू अ टाइडल एक्शन डिपेंड होता है जो है साइज ऑफ फॉल सी, जैसे कोई फॉल मतलब कि गिरना है, साइज ऑफ उसके साइज को देखकर समुद्र में देखा जाता है उसकी साइज की कितनी ऊपर से गिर रहा है। टर्बाइन कन्वर्ट टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो टर्बाइन होता है इसको कन्वर्ट कर देता है, टाइडल एनर्जी जो रहता है टाइडल एनर्जी इसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर देता है। फिर उसके बाद क्या है ओशियन, ओशियन थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस वाटर एंड डेप्थ 2 किलोमीटर शुड बी 20 डिग्री सेल्सियस इज मोर। जब नीचे जाता है ना, यहाँ से जब नीचे जाएगा तो जो नीचे का पानी होता है बहुत ही, जैसे ऊपर जो है 39 डिग्री है, नीचे आकर 19 डिग्री हो जाएगा, तो इसको जो है नीचे जाने पर, ऊपर आने पर जो है गर्म होता है और नीचे जाने पर ठंडा हो जाएगा। द वार्म सरफेस इज यूज इन अमोनिया लिक्विड, बॉयल करने में अमोनिया का प्रयोग काम होता है, उसमें लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगा। वेपर ऑफ लिक्विड आर यूज टू टर्बाइन, जिन्हें जो भाप जो होता है उसी से हम लोग लिक्विड फॉर्म में होता है उसको यूज करता है, टर्बाइन जनरेट करता है। फिर उसके बाद क्या है कोल्ड वाटर फ्रॉम डीपर लेयर, जो ठंडा वाटर होता है वह जो है गहराई तक जाता है, गहराई से ऊपर आता है, उठता है, पम्पड इंटू अ कंडेंस वेपर इंटू लिक्विड, जो भाप होता है उस फिर नीचे जाएगा, जैसे पहले नीचे जाएगा तो वो ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर आएगा, कोल्ड वाटर हो जाएगा, फिर ऊपर आएगा तो फिर उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर नीचे जाएगा तो फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर ऊपर आएगा, इसी तरह सर्कुलेशन चलता रहता है। और यह देख सकते हैं यह किस चीज़ का है, ज्वार और भाटा का, जब पानी अंदर जाएगा तो ठीक है, फिर उसके बाद जब जैसे ही बाहर आएगा यहाँ पर एक थोड़ा सा खोल दिया जाता है, यहाँ पर जैसे आएगा जनरेट करने लगा, ये जो रोटेट करने लगेगा टर्बाइन है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, यूनिफॉर्म टाइडल एक्शन इज नॉट सीन, हर जगह यह देखने को नहीं मिलता है। वेव एनर्जी वह है, वेब ऑफ सी आर यूज एज ए नाइटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू के इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेब जो है समुद्र में यह देखने को मिलता है नाइटिक एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर देता है। टर्बाइन इज रोटेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो टर्बाइन होता है रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ मेरा वीडियो समाप्त हो रहा है दोस्तों। इसके बाद अगला चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है,
मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स, रिसोर्स प्रोवाइड टू अस नेचर सॉयल, जो हम लोग को रिसोर्स होता है कहाँ कहाँ हम लोग को मिलता है, सॉयल में, मिट्टी में, एयर में, वाटर में, जंगल में। कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज फॉर हिज सर्वाइवल, जो कोल और पेट्रोलियम है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज यूज इन कंजर्व ऑफ नेचुरल रिसोर्स, में जो मैनेजमेंट हम लोग का नेचुरल रिसोर्स है उसको मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट 1985 में इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गंगा पॉल्यूशन, जो गंगा में पॉल्यूशन हो रहा था यह स्टार्टेड हुआ था 1985 में। इसका MPN मोस्ट प्रोबेबल नंबर 3R2 एनवायरनमेंट, जो 3 है एनवायरनमेंट में, पहला रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। रिड्यूज क्या होता है, इट मीन्स यूज लेस रिसोर्सेज, जो है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ना यूज करें और दीवार को पेंट रखें चारों तरफ से, ज़्यादा वाइट लाइट, वाइट कलर से पेंट रहेगा तो रोशनी आधा वो भी देगी। रिसाइकल किसी भी चीज़ों चीज़ को, जैसे हो गया जैसे पानी, पानी का रिसोर्स, जैसे किसी फैक्ट्री वैक्ट्री में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उसको रिसाइकल ना करें, बार बार एक ही चीज़ को ना दोहराएं, वाटर को कम यूज करें। फिर उसके बाद क्या है, रीयूज। रीयूज जो है जैसे पिकल अचार का डब्बा हो गया उसको, या फिर जैम का डब्बा, उसको हम लोग यूज करें किसी दूसरे बॉक्स, किसी दूसरे चीज़ों के लिए, उसमें नो प्रोसेस, जिसे कोई भी प्रोसेस नहीं लगता है, वो अच्छा भी है रीयूज। इसके बाद सस्टेनेबल मैनेजमेंट, जैसे फ्यूचर को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपना जो है डेवलप अपना करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनकरेज फार्म्स ग्रो इन दैट मोर करेंट बेसिक ह्यूमन, जैसे फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है, फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग को अपने डेवलपमेंट, जैसे अपने रिसोर्सेज को उतना ज़्यादा ना खर्च करें कि आगे वाली पीढ़ियों के ना मिले। ड्यू टू अ इंक्रीज इन ह्यूमन पॉल्यूशन इज डिमेंड फॉर रिसोर्सेज इन इंक्रीजिंग एक्सपेंशनल रेट, वह इंक्रीज करें ह्यूमन, जैसे ह्यूमन पॉल्यूशन के लिए या ज़्यादा इंक्रीज ना करें रिसोर्सेज को कि हम लोग के लिए भी खतरा हो जाए। हेंस आवर रिसोर्सेज नीडेड टू बी अरेंज फॉर द फॉलोइंग रीजन। आवर रिसोर्सेज हमारे रिसोर्सेज में बहुत जरूरी है कि अरेंज करें सभी चीज़ों को, अरेंज से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें। दे लास्ट फॉर जनरेशन टू कम फ्यूचर जनरेशन के लिए, जिसे हम लोग अपने पिछले जनरेशन के लिए सुरक्षित रखें और अपने जनरेशन के लिए सेव रखें, फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव रखें, और इस समय जो चल रहा है उससे भी अच्छे क्वालिटी के लिए रखें। दे आर इक्वली, जैसे कि हम लोग जैसे इक्वल सबके तरफ बटे, इक्वल रहे, कम बेसी किसी को ना दो। इसके बाद एनवायरनमेंट इज हार्मफुल है व्हेन रिसोर्सेज स्टैंटेड आर नीड, रिसोर्स जो है एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है और इसकी ज़रूरत भी है। इसके बाद क्या है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी इज मेजर बाय द नंबर ऑफ स्पेसिस फाउंड इन एरिया, प्लांट आर मेनी टाइप इज लोकल एरिया, जो पौधा है प्लांट आर मेनी, लोकल एरिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्लांट। बायोडाइवर्सिटी वह है जो नंबर ऑफ वहाँ के लोकल एरिया को मेजर करता है बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लीड लॉस ऑफ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, लॉस ऑफ इकोलॉजिकल, इंसेक्ट जो होते हैं कीड़े या बटरफ्लाई ये जो है डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, पॉलिनेशन अगर ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हम लोग में जो फूल में जो पॉलिनेशन या हनी भी जैसे लगते हैं वो जो है नहीं बन पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेक होल्डर इन अ फॉरेस्ट, पीपुल हु लिव इन अराउंड फॉरेस्ट आर डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूसर वेरियस देयर लाइफ, पीपुल जो हैं, जो लोग हैं वहाँ के रहने वाले, जंगल के चारों तरफ जो रहते हैं वह डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट पर, जंगल पर डिपेंड होते हैं, उन्हीं की लाइफ वही होती है। स्टेक होल्डर क्या है, स्टेक होल्डर डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, जो
इसके जो लोकल एरिया है पहले, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फिर इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्री में क्योंकि कुछ उस जो फॉरेस्ट लकड़ी काट कर जो कुछ बनाते हैं उसको इंडस्ट्री कहते हैं। लोकल पीपल वहाँ के रहने वाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो जंगल को काटते हैं किसी खास चीज़ों के लिए, डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फ्रॉम देयर लाइफ, जो डिपेंडेंट होते हैं ऑन फॉरेस्ट देयर, उनके अपने लाइफ के लिए जो डिपेंडेंट होते हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट हु ऑन द लैंड एंड द कंट्रोल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या होते हैं, गवर्नमेंट वह होते हैं जो गवर्नमेंट के कहने पर वहाँ के सभी लोगों को रिसोर्स कंट्रोल करते हैं, सभी रिसोर्सेज को गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलते हैं। और उसके बाद एक इंडस्ट्री क्या है, हु यूज वेरियस फॉर प्रोडक्ट्स, जो जंगल के सभी चीज़ों को यूज करके उसका प्रोडक्ट बनाते हैं। वाइल्ड लाइफ, हु वांट टू कंजर्व नेचर, नेचर से जो वाइल्ड लाइफ जो जिंदगी की जो वहाँ के जंगली जीव हैं वहाँ के उनको नष्ट कर दिया जाता है, जंगल काट दिए जाएंगे तो वहाँ के वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज वाइजली टू मेक अवेलेबल टू फ्यूचर जनरेशन। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो वहाँ के रहने वाले जो होते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, उन सबको बहुत कठिनाइयाँ होती है, अगले वाले जनरेशन के लिए उन सबको बहुत ही कठिनाइयाँ होती है। इसके बाद है लोकल पीपल डिपेंड, लोकल पीपल डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर वुड, जैसे जो वहाँ के लोकल पीपल रहते हैं वो डिपेंड होते हैं जंगल पर, उससे वो सब फायरवुड जैसे टेम्बर हो गया, बम्बू हो गया जैसे बांस, लकड़ी, फॉरेस्ट मेकिंग, ये सब बनाने के लिए एग्रीकल्चर पर ही एग्रीकल्चर उस सबको काट कर एग्रीकल्चर बनाते हैं, फिर उसके बाद उस पर डिपेंड रहते हैं। फिशिंग एंड हंटिंग, फ्रूट, नट्स, मेडिसिन, इसे जो है बहुत कुछ बनता है, मेडिसिन बनता है, फिश हंटिंग फ्रूट, ये सब लोकल एरिया एंड डेवलप प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल यूज फॉरेस्ट, जो लोकल एरिया होते हैं वहाँ के डेवलप करते हैं सभी चीज़ों को, सस्टेनेबल यूज में रखते हैं। अनलाइक इंडस्ट्रियल, लोकल पीपल विल फॉरेस्ट एज देयर लाइफ, वह जो है वहाँ की अनलाइक इंडस्ट्रियल जो खराब जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है उसको लोकल पीपल जंगल से हटा देते हैं और अपनी वहाँ पर कुछ दूसरा सेटअप कर देते हैं, एग्रीकल्चर वहाँ पर लगा देते हैं, जो पौधे बेकार हो जाते हैं सूख जाते हैं उसको हटाकर वहाँ पर कृषि कार्य होती कार्य करने लगते हैं। प्रोड्यूस जनरेशन टू कम, अगले जनरेशन के लिए सावधानी पूर्वक अपना काम करते हैं। देयर आर मेनी एग्जाम्पल लोकल पीपल वर्क ट्रेडिशनली कॉन्सनट्रेशन फॉरेस्ट, जो है जिसे आप लोग देख सकते हैं आप लोग को बुक में होगी, बिश्नोई ऑफ राजस्थान। रेगुलर ग्रेजिंग हेल्प इन मैनली ग्रास लैंड, ग्रास इंक्रीज फॉरेस्ट ग्रो वेरी आल फेल ओवर प्रिवेंटिंग फ्लेश ग्रोथ, यह सब जो है घासों को इंक्रीज करने के लिए हम लोग को फर्स्ट पहले ग्रो पहले उन सबको ज़्यादा जल्दी नहीं उन सबको एकदम नीचे तक नहीं काट देना चाहिए, उन सबको बस ऊपर से ही काट देना चाहिए ताकि वो बढ़ने में आसानी पड़े उन सबको। इससे जो है जो वहाँ के रहने वाले जो जानवर हैं अच्छा भोजन करेंगे, फ्लेश भोजन। इसके बाद हग्ड, जैसे सस्टेनेबल मैनेजमेंट चिपको मूवमेंट स्टार्टेड हुआ था कि जो वहाँ के जो पौधे हैं उन सबको चिपक कर सब लोग रोक दिए कि ये कटना नहीं चाहिए, यहाँ के पौधे नहीं कटेंगे। चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन अ विलेज ऑफ कॉल्ड रैनी इन गरवाल में हुआ था। रैनी इन गरवाल वहाँ का जगह का नाम है, वो कहाँ स्थित है, हिमालय में, वह अर्लिंग 1970 में यह सब हुआ था। द ओमैन ऑफ विलेज हग द ट्री दस द प्रिवेंटिंग द वर्कर लोकल कंसल्टेशन कटिंग डाउन द ट्री, जो वहाँ के लोकल पीपल थे वहाँ के वो सब कटने से बचाने लगे कि नहीं ये कटना नहीं चाहिए। पीपल पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट हेल्प कंजर्व फॉरेस्ट, एग्जाम्पल क्या है, 1972 में जब अरबरी फॉरेस्ट रेंज हुआ था, जब मीनापुर जिले में ही अरबरी जंगल है वहाँ के लोग रहने वाले थे। इट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लिविंग कल्चर ऑफ हार्वेस्टिंग ऑपरेशन,
जो वहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट जो जो था लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जो फसल की जो एम्प्लॉयमेंट थी जिससे वो लोग निर्भर रहते थे उन सबकी जीविका थी वही 25% फाइनल हार्वेस्टेड एंड अलाउ जैसे जो 25% वहाँ के जो सभी चीज़ों थी उन सबको बराबर बटने लगी कि जो भी फायदा होगा यहाँ पर जो पेड़ और कटे जाएंगे तो इसमें 25% इनको भी दिया जाएगा क्योंकि यह लोग उनकी उसकी सेवा कर रहे थे उन पौधे की जल्दी कटे नहीं उसी पर डिपेंड थे। आफ्टर फॉरेस्ट वैल्यू जो है 12.50 करोड़ थी बाद में जो है 12% वी शुड कन्वर्स फॉरेस्ट बिकॉज फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी ब्रिंग इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी जंगल जो है बायोडाइवर्सिटी है उसके बाद इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है पीपल लिविंग अराउंड अ फॉरेस्ट डिपेंड ऑन देयर उन सबकी जो वहाँ के लोग हैं उन सबकी वही जो है लाइफ थी उन्हीं की। मैनी इंडस्ट्रियल आर बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस पेपर इंडस्ट्रियल जो वहाँ के इंडस्ट्री थी वहाँ के बनाने में काम आती थी पेपर इंडस्ट्री में बनाने में काम आती थी। इट इज़ ए नेचुरल हार्टी हेरिटेज मस्ट बी पासेज आर फ्यूचर जनरेशन फ्यूचर जनरेशन के लिए इक्वल फार्म में बटे वी कैन कंजर्व फॉरेस्ट बाय प्रिवेंटिंग मोनोकल्चर इन फॉरेस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट मेकिंग द लोकल एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट वहाँ के जो लोकल एरिया थी कि बराबर सभी को जंगल में सभी को हिस्सा मिले। लोकल एरिया कैन बी यूज फॉरेस्ट जो वहाँ के लोकल एरिया थे वो लोग फॉरेस्ट को यूज करते थे अपने काम के लिए। फिर उसके बाद क्या है वाटर फॉर ऑल स्पाइट ऑफ गुड मानसून सीजन इट इज़ नॉट एब्जॉर्व वाटर वाटर जो है नहीं एब्जॉर्व कर पा रहा था जो इस गुड मानसून सीजन में लॉस ऑफ वेजिटेशन कंज्यूम लेस प्लांट डाइवर्सिटी इज नॉट वाटर यूज इन क्रॉप वेस्ट वाटर पॉल्यूशन फ्राम इंडस्ट्री इफेक्ट एंड वेस्ट जो पॉल्यूशन था वहाँ पर इंडस्ट्री के लिए इफेक्ट कर रहा था और वेस्ट खराब हो रहा था वहाँ का पॉल्यूशन जो है एकदम बर्बाद हो रहा था। इट इज़ ए एशियंट टाइम इरीगेट मेथड इन लाइक डैम टैंक कैनल वेयर यूज इन मैनेज द बाई लोकल पीपुल वहाँ के जो वहाँ पर क्या क्या बनाया जा रहा था वहाँ पर पानी को बहने के लिए डैम बनाया जा रहा था टैंक ये सब कैनल बनाया जा था इसलिए सब प्रभावित हो गए कि ये सब नहीं बनना चाहिए। एग्रीकल्चर एंड डेली नीडेड टू यूज फुल लॉन्ग टाइम ईयर्स जो एग्रीकल्चर खेती जो है लंबे समय से आ रहा था लेकिन ये सब डैम बनाकर सब बर्बाद करने लगे। डैम प्रोवाइड वाटर इरीगेशन इलेक्ट्रिसिटी कैनल फ्राम डैम इरीगेट वेस्ट एरिया ये सब बनाने के लिए खराब जगह जैसे कहीं जंगल वंगल को काटे ना और वहीं पर जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर तो एकदम नहीं काटें। लेकिन इंदिरा गांधी कैनल जो है डैम से क्या होता था डैम जो बनाने से जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करना चाहते थे ये लोग यूनि डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन फ्लो होना चाहता था और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर जो कंटिन्यूस एक ही तरह से सप्लाई लगातार सप्लाई होता रहे और उसके बाद पीपल नियर वाटर रिसोर्सेज जो वहाँ के नज़दीक वाले लोग थे वहाँ पर तो सब कुछ उगा सकते थे लेकिन दूर के लोग थे जो वहाँ पर नहीं उगा पाते थे पानी तो वो सब अपना फसल नहीं उगा पाएंगे। डिसएडवांटेज क्या है नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है जैसे जो है इक्वल नहीं बट रहा था सभी को। लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिस्प्लेस वहाँ के जो ज़्यादा जो पीपल थे उन सबको विदाउट कॉम्पनसेशन उनको जो है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था कटने पर। काजेज क्या है डिफॉरेस्टेशन फॉर लॉस बायोडाइवर्सिटी जो है डिफॉरेस्टेशन जो है यह एक बायोडाइवर्सिटी जो है इससे जो है बहुत ही नुकसान होता था। सोशल प्रॉब्लम क्या है सोशल प्रॉब्लम बिकॉज दे डिस्प्लेस कॉम्पलेक्शन एंड हैबिटेशन वहाँ के रहने वाले जो समाज हैं ये सब के लिए वह सब जो है राजी नहीं होते थे। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है और जैसे ज़मीन के लिए इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो है वहाँ के हाई अमाउंट एंड पब्लिक मनी जो है वहाँ पर नहीं सही हो पाती थी। हाई अमाउंट एंड पब्लिक मनी वहाँ के जो लोग थे उन सबकी मनी जो है बहुत ही कम होने लगी। विदाउट इज नॉट प्रॉपर बेनिफिट उन सबको लाभ भी नहीं होता था। एनवायरमेंट प्रॉब्लम क्या है एनवायरमेंट प्रॉब्लम यह है कि बिकॉज दे कंट्रीब्यूटेड डिफॉरेस्टेशन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो वहाँ के एनवायरमेंट थी एनवायरमेंट प्रॉब्लम आ रही थी कि सभी लोग को एक ही तरह से
वे एक ही जैसे जो लोग अपने यहाँ पर काम करते हैं उन सबको काम करने दिया जाए, यहाँ पर कुछ किया नहीं जाए। फिर वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग लोकल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक एंड बेनिफिशियल, वहाँ के जो लोकल वाटर है उन सबको हार्वेस्टिंग एंड टेक्निक बेनिफिशियल है। दे आर हाईली लोकल स्पेसिफिक बेनिफिट एंड लोकलाइज। फिर उसके बाद लोकल पीपुल कंट्रोल ओवर लोकल वाटर हार्वेस्टर जो इंश्योर दैट मैनेजमेंट एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट। आप लोग देख सकते हैं वह चित्र है, जैसे कोई ये नदी है, नदी से नीचे पानी आ रहा है, यहाँ पर कोई बांध लगा दिया जाए, जो ये पौधे हैं जैसे जंगलों में से पानी आ रहा है यहीं पर रोक दिया जाएगा, और यहाँ पर जो है बहुत ही गंदगी हो सकती है, और जो है नीचे जो है एब्जॉर्ब होगा पानी वह जो है बहुत ही प्योर होगा और रिफाइंड यूजफुल होगा, और इसी को जो है इसको डैम बनाने का इसका क्या नाम था, खादिन डैम। इसके बाद क्या है, एडवांटेज क्या है इसका खादिन सिस्टम का, वाटर डज नॉट इवेपोरेट, जो वाटर वहाँ पर ज़्यादा थे, ज़्यादा अगर हो जाएगा पानी तो वहाँ पर जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा, भाप बनकर जल्दी नहीं उड़ पाएगा। रिचार्ज वेल एंड मॉइस्चर, वहाँ के जो है बहुत ही गंदगी होगा और मॉइस्चर वॉइस्चर हो जाएगा। डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड मॉस्किटो, जो है वहाँ के जो है मॉस्किटो वहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे। फिर उसके बाद ग्राउंड में जो है फ्लो होगा तो सही है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा गंदगी हो जाएगा। ग्राउंड वाटर प्रोटेक्टेड फ्राम ह्यूमन एनिमल वेस्ट, जो वहाँ के ज़मीन के जो पानी है वह सब तो लाभदायक है, लेकिन वहाँ के जो आदमियों के लिए है वह सब जो है वहाँ पर गंदगी हो सकती है, एनिमल भी वेस्ट सब्सटेंस हो सकता है। इसके बाद कोल एंड पेट्रोलियम, जनरली जो कोल एंड पेट्रोलियम है फॉसिल फ्यूल हैं, फार्म डिस्टेंग्रेशन इज अ बायोमास मिलियन ईयर एगो, जो है ये सब बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, मिलियन ईयर एगो। दे विल गेट एंड फ्यूचर टू मैटर, फ्यूचर नो मैटर हाउ केयरफुली, हम लोग को अगले जनरेशन के लिए ध्यानपूर्वक ध्यान से रखना चाहिए, ध्यानपूर्वक। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन सल्फर कंटेंट, जो है ये सब करने के लिए हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन सल्फर ये सब बहुत ही हानिकारक हैं। इसके बाद जो है वीडियो मेरा समाप्त होता है, अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ अगले वीडियो में भेंट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।